हेलो, वेलकम माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसे डेटा पे है, सब्स्टिट्यूट का जो फार्मूला है। जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ मैंने वो फार्मूला लगा के इस तरह से हाइफन लगा के किया है। जैसे यहाँ LG है तो LG प्रो है, फिर कॉमा 458 है, ओप्पो है तो लुमिया 15152 0785 है। मैं चाह रहा हूँ सबके पहले हाइफन लग जाए इस तरीके से। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट का जो फार्मूला होता है उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर इक्वल में करता हूँ, ओके, सब्स्टिट्यूट। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, अगर मैं फार्मूला या आपको डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, दिखा के देखिए, तो फार्मूला जो है हमारा कुछ इस तरीके से, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फार्मूला बार में ही फार्मूला शो करता है। ओके, कुछ इस तरीके से है। इक्वल सब्स्टिट्यूट G1। G1 क्या है आपका, जैसे ये है G1, इसका मैंने एड्रेस दिया, देन मैंने कॉमा इन लगाया, फिर डबल नोट कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल नोट कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल नोट कॉमा, हाइफन, फिर डबल नोट कॉमा, कॉमा के बाद वन। वन मैंने किस लिए लगाया, वन इसलिए लगाया है कि मुझे जो यहाँ पे टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट इसके बाद ही चाहिए। अगर मैं वन नहीं लगाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से वन हटा रहा हूँ, ओके, ठीक है, और ये भी हटा दूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे हाइफन सब में लग जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। बट मुझे क्या चाहिए कि मतलब हाइफन मुझे सब में नहीं चाहिए, वन वर्ड के बाद चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे वन लगाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट का फंक्शन यूज कर सकते हैं इस तरीके के लिए। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।